नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरी और फिट स्टैंड में आपका स्वागत है। वेट लॉस करना वैसे देखे तो इतना इजी नहीं होता, और अगर किसी महिलाओं को पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो उनका मोटिवेशन लेवल वहीं पर ना के बराबर हो जाता है। लेकिन आज की जो वेट लॉस सक्सेस स्टोरी है वो सुनने के बाद आप लोगों में एक नई आशा की किरण जाग जाएगी। आज जिस महिला की मैं बात कर रही हूँ, उस महिला का डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन लेवल इतना स्ट्रांग था कि उसके बलबूते पर उसने पीसीओएस का प्रॉब्लम होने के बाद भी खुद का 44 किलो वजन कम किया है। एंड आई फील उनका वेट लॉस डाइट और एक्सरसाइज शेड्यूल सुन के आप लोग भी खुद का अच्छा खासा वजन कम कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस महिला की वेट लॉस सक्सेस स्टोरी की बात करने वाली हूँ उसका फोटो तो आपने थंबनेल पर देखा ही होगा। उसका नाम है सारा अली खान। हाँ दोस्तों, वही लड़की जिसने बड़े कम समय में बॉलीवुड सिनेमा में अपना एक अच्छा खासा नाम बना लिया है। शायद आप लोगों ने उसकी रिसेंटली रिलीज हुई रणवीर सिंह के साथ की सिम्बा मूवी देखी होगी। भले उस मूवी में सारा बहुत ही पतली, अट्रैक्टिव और सुंदर दिख रही है, लेकिन उसके पीछे उसका बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। सारा अली खान यानी सैफ अली खान और अमृता सिंह इनकी बेटी, बचपन से ही बड़े लाड और प्यार से परवरिश हुई एक स्टार किड। इन 25 साल की लड़की के कुछ फोटो सैफ अली खान और करीना कपूर के शादी के टाइम पर वायरल हुए थे। उस टाइम पर वो मोटी और चबी दिख रही थी। उस वक्त वो बस मोटापे से ही नहीं जूझ रही थी, तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस का प्रॉब्लम भी था। दोस्तों, पीसीओएस ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिस कंडीशन में आपका वेट लॉस होना बहुत ज्यादा कठिन होता है। PCOS वाली महिलाओं में वेट गेन, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, इरेगुलर पीरियड्स और इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। और आजकल दुनिया में PCOD और PCOS प्रॉब्लम वाली महिलाओं का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए आज की वेट लॉस सक्सेस स्टोरी आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सारा अली खान ने खुद का 96 किलो से 52 किलो वजन कैसे कम किया, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बस डेढ़ साल में सारा ने खुद का 44 किलो वजन कम किया है। कुछ समय पहले BBC चैनल को दिए एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि खुद सारा ने की है। उस वक्त सारा ने अपने बचपन के सपने को भी बताया। उसका बचपन से ही एक सपना था कि उसको फिल्म इंडस्ट्री में अपने मॉम डैड की तरह एक नाम कमाना है। सपना तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन पढ़ाई भी सबको करनी होती है। इसीलिए सारा अमेरिका के कोलंबिया शहर में 4 साल के लिए पढ़ाई करने गई थी। उसके सेकंड ईयर तक शायद वो खुद के बॉलीवुड के सपने को भूल गई थी, लेकिन सेकंड ईयर खत्म होते होते उसको फिर से बॉलीवुड का सपना याद आने लगा। तब उसको एक बात की समझ आई, भले वो एक बड़े स्टार कपल की बेटी है, लेकिन 96 किलो के शरीर को लेकर वो बॉलीवुड में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसके साथ उसको ये भी पता था कि एक्चुअल में उसका वेट बढ़ने के पीछे PCOS भले एक रीजन हो, लेकिन उसकी अनहेल्दी फूड हैबिट और एक्सरसाइजेस का अभाव ये भी उतना ही बड़ा एक कारण था। दोस्तों, सारा अली खान कोलंबिया में जहाँ पर रहती थी वहीं पर टॉम्स पिज्जा करके पिज्जा शॉप था। करीबन 2 साल पिज्जा खाने के बाद जब उसको पता चला कि उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तभी उसको ये भी रियलाइज हुआ कि टॉम्स पिज्जा शॉप के बाजू में ही एक विटामिन शॉप है जहाँ उसको प्रोटीन रिच चीजें, सैलड और बहुत सारी हेल्दी खाने की चीजें मिल सकती है। इवन उसने इसके बारे में खुद कहा है कि जहाँ आपको पिज्जा मिलता है वही आपको प्रोटीन भी मिलता है, जहाँ पे चॉकलेट मिलता है वही आपको सैलड भी मिलता है। दोस्तों, बस लाइफ को एक डिसिप्लिन देकर उसने खुद का 44 केजी वजन कम किया है। उसने बस उसके खाने के हैबिट को चेंज करके और रेगुलर एक्सरसाइज करके ये किया है। दोस्तों, मैं भी आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि सारा अली खान ने उसके लाइफ में क्या चेंजेस किए, तो अब मैं आपको शॉर्ट में सारा अली खान का डाइट प्लान और एक्सरसाइज शेड्यूल बताती हूँ। सारा अली खान दिन भर में 4 मील लेती थी, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और लाइट डिनर। उसके सभी खाने में प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा थी और कार्बोहाइड्रेट्स ना के बराबर या कम था। ब्रेकफास्ट में वो 2 एग्स व्हाइट, 1 टोस्ट या 1 इडली खाती थी। उसके बाद लंच में 1 चपाती, 1 बॉल दाल, वेजिटेबल्स, सैलड और 1 फ्रूट लेती थी। लंच में मैक्सिमम पोर्शन वेजिटेबल्स और सैलड का होता था। उसके बाद इवनिंग स्नैक्स में ज्यादा करके उपमा खाती थी। उसके बाद डिनर की बात करें तो वो लाइट डिनर लेती थी। डिनर में 1 चपाती और वेजिस रहते थे। इन शॉर्ट, वजन कम करने के लिए उसने स्ट्रिक्ट कैलोरी डेफिशिएंट डाइट फॉलो किया था और पूरी तरह से शुगर और जंक फूड को अवॉइड किया था। स्ट्रिक्ट डाइट के साथ मोस्टली उसने एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान दिया था।
एक्सरसाइज में वो रेगुलर ट्रेडमिल पर रनिंग, फिर योगा, पिलेट्स और बूट कैंप ट्रेनिंग करती थी। बूट कैंप ये एरोबिक और हाई स्ट्रेंथ एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन होता है। इससे आपकी स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ता है। इसी तरह से सारा हमेशा अलग अलग एक्सरसाइज करती थी, जिससे वो कभी एक्सरसाइज करने से बोर नहीं हुई। दोस्तों, अब ये बात हो गई सारा अली खान पतौड़ी के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की। उसके बॉडी वेट लॉस स्टोरी से आपको कैसे फायदा होगा, इसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। उसमें और आप में बस एक चीज कॉमन है, और वो है उसको भी आपके तरह खुद का वजन कम करना था, लेकिन उसमें और आप में बहुत सारी विषमता है। दोस्तों, एक बात को याद रखिए कि यहाँ पर मैं एक मिडिल क्लास या कम इनकम वाले महिला या पुरुष की बात कर रही हूँ। सबसे पहले आपको ना कोई जीरो फिगर एक्ट्रेस बनना है या ना बॉलीवुड में कोई मूवी करनी है। दूसरी चीज, आपके पास अलग अलग जिम ट्रेनर और सो कॉल्ड वेल नोन डाइटिशियन को देने के लिए उतने फालतू के पैसे भी नहीं होते। तीसरी चीज, आप कोई अमेरिका में अकेले पढ़ नहीं रहे हो। आपको घर संसार, बच्चे, पति या पत्नी, आपके माँ बाप, भाई बहन, उन सबको भी संभालना होता है। इसलिए आपका ज्यादा करके टाइम एक तो ऑफिस में या घर के काम करने में ही जाता है। ऐसे ही बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज उसमें और आप में ही है, लेकिन आपको उसकी तरह खुद को वेट लॉस के प्रति मोटिवेट करना होगा। भले वो रोज अलग अलग एक्सरसाइज अलग अलग जिम ट्रेनर के साथ करती थी, आप विदाउट एनी जिम ट्रेनर कम से कम एक वीक में 5 दिन 45 मिनट्स के लिए मिनिमम 4.5 किलोमीटर फास्ट वॉकिंग या ट्रेडमिल पर रनिंग या वॉकिंग कीजिए। उसके पास डाइट फॉलो करने के लिए, अलग अलग डाइट रेसिपीज बनाने के लिए या ऑर्डर करने के लिए बहुत सारे पैसे और सोर्सेस थे, लेकिन आपके घर में खुद का और घर वालों का अलग अलग खाना भी नहीं बना सकते। इसलिए जो खाना घर वालों के लिए बना रहे हो वही आप खाइए, बस दिन में 2 बार खाइए और बाकी टाइम फास्टिंग कीजिए। दोस्तों, सारा अली खान ने जितना मीडिया में बताया उतना ही आप लोग जान पा रहे हो, बाकी अंदर की बात हम सबको पता भी नहीं होती। इसलिए उसके जैसा डाइट और एक्सरसाइज शेड्यूल फॉलो करके आप भी आपका वजन कम कर सकते हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस आप उसकी तरह आपके जीवन में डिसिप्लिन लाइए और खुद के खाने की क्रेविंग को जरा कंट्रोल कीजिए। आप कुछ महीनों के लिए आपके अंदर के आलस को बाहर फेंक दीजिए और बोलिए, यस आई कैन डू इट एंड टेक माय वर्ड्स, आपका वजन जरूर कम होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये जानकारी दोस्तों को देने के लिए वीडियो को जरूर जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए फिट स्टैंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।